नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आईपीएल की शुरुआत के बाद पाकिस्तान ने भी टी20 लीग पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत की गई। आईपीएल की लीग दुनिया में सबसे पॉपुलर लीग में शामिल है। हम सबको पता है आईपीएल में पैसा, नाम सब कुछ है। आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने के लिए तरसते हैं। कई पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर ने अपने देश के युवाओं को आईपीएल में मौका दिए जाने की बात कह चुके हैं, लेकिन भारत ने भी ठान लिया है कि पाक खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने नहीं देंगे। अब पाक खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने का मौका तो मिलने से रहा, ऐसे में पाकिस्तान ने भी अपनी टी20 लीग शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा पाकिस्तान सुपर लीग। अब पाक टी20 लीग तो शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास कितना पैसा खिलाड़ियों को देने के लिए, ये तो हम सबको पता है। पाकिस्तान सुपर लीग को पाक के लोग आईपीएल से तुलना करते रहते हैं। अब पाकिस्तान सुपर लीग से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग कितनी गरीबों वाली लीग है। पाकिस्तान की हालत को देखते हुए और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वजह से कई विदेशी खिलाड़ियों ने वहां जाने का फैसला नहीं किया, जिसके वजह से टीमों ने कुछ खिलाड़ियों में बदलाव किए। इन्हीं में से एक है वेस्टइंडीज के युवा खिलाड़ी सरफेन रदरफोर्ड, जो क्रिस जॉर्डन की जगह कराची किंग्स का हिस्सा बने हैं। आईपीएल के 13वें सीजन की विजेता मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने वाले सरफेन रदरफोर्ड को आईपीएल में इस साल एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद वह पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ में खेलने पहुंचे। पाकिस्तान की एयरपोर्ट पर वह मुंबई इंडियंस की जर्सी पहने नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी बवाल मच गया। लोग कह रहे थे, अरे पाक बोर्ड, इसे एक जर्सी तो दे दो। अभी ये बवाल ठंडा नहीं हुआ था कि एक और चीज हो गई। मुंबई की तरफ से प्लेइंग 11 में जगह बनाने में नाकाम रहे सरफेन रदरफोर्ड को कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ पहले क्वालिफायर में मैच में मौका दे दिया। इस मैच के दौरान रदरफोर्ड मुंबई इंडियंस के ग्लव्स पहनकर बल्लेबाजी करते नजर आए। इन सब के बाद पाकिस्तान को लोग जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, ये कैसी लीग है जहाँ अपने खिलाड़ियों को पहनने के लिए एक कपड़े भी नहीं दे पा रहा है। अब आप ही देख लीजिए पाकिस्तान कितना गरीब देश है। आईपीएल को देखकर पाक ने तो क्रिकेट लीग शुरू कर दी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने खिलाड़ियों को देख रेख कर सके। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए पाक की क्या हालत हो गई है। अगर ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान जल्दी ही सड़क पर आ जाएगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़।